नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में हो रही है जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए नियुक्ति। जूनियर इंजीनियर के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया बिहार में शुरू हो चुकी है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट बिहार ने अनुबंध के आधार पर जूनियर इंजीनियर के लिए रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों को इन पदों में रुचि है, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भरने की मांग की गई है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि इन पदों के लिए 25 सितंबर से 15 अक्टूबर 2020 तक शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। जारी पदों पर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किया गया है। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे नई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार को नई सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें से 3 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित बताई जा रही है और 3 परियोजनाएं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए और 2 परियोजनाएं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 545 करोड़ रुपए बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन बुडको के द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सोमवार की शाम रघुवंश प्रसाद सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ वैशाली के महनार के हसनपुर घाट पर अंतिम विदाई दी गई है। इससे पहले सोमवार को ही रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृह जिले वैशाली पहुंचा दिया गया था। वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान शोक में डूबे लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा रघुवंश सिंह का नाम रहेगा के नारे भी लगाए। आपको 74 वर्षीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने रविवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली थी। मुजफ्फरपुर पटना में चुनाव आयोग ने की समीक्षा बैठक। राजधानी पटना पहुंचे चुनाव आयोग की टीम ने मुजफ्फरपुर पटना में पहुंचकर समीक्षा बैठक की। 2 सदस्यीय टीम बिहार की तैयारी को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला अधीक्षक से फीडबैक ले चुकी है। वहीं आज भी फीडबैक लेने का काम करेगी। बीते दिन मुजफ्फरपुर में आयोग की टीम की समीक्षा बैठक के दौरान तिरहुत, कोसी और दरभंगा प्रमंडल के सभी 12 जिलों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार के साथ 3 प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने चुनाव की जानकारी दी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,59,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 1,137 मरीज की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,59,526 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अररिया में 29, अरवल में 11, औरंगाबाद में 47, बांका में 19, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 50, भोजपुर में 21, बक्सर में 4, दरभंगा में 20, पूर्वी चंपारण में 42, गया में 34, गोपालगंज में 23, जमुई में 10, जहानाबाद में 5, कैमूर में 6, कटिहार में 3, खगड़िया में 9, किशनगंज में 24, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 21, मधुबनी में 44, मुंगेर में 17, मुजफ्फरपुर में 78, नालंदा में 52, नवादा में 5, पटना में 196, पूर्णिया में 32, रोहतास में 10, सहरसा में 61, समस्तीपुर में 27, सारण में 15, शेखपुरा में 9, शिवहर में 15, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 18, सुपौल में 66, वैशाली में 9, पश्चिम चंपारण में 15। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,45,019 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 831 लोग की जान जा चुकी है। हरिवंश नारायण सिंह दूसरी बार चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। हरिवंश नारायण सिंह लगातार बीते दिन दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के पद पर विराजमान हो गए हैं। एनडीए ने जदयू नेता हरिवंश को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं विपक्ष की तरफ से बिहार के राजनीतिक पार्टी राजद के मनोज झा उम्मीदवार घोषित किए गए थे, लेकिन उन्हें हरिवंश नारायण सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि हरिवंश को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चुना गया है, ध्वनिमत से उन्हें चुन लिया गया है। आपको बता दें, यह लगातार दूसरा मौका है जब हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति बन चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी दी है। देश के टॉप 50 चर्चित भारतीयों की सूची में शामिल हुए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं हाल ही में जारी किए गए शोध के अनुसार गुप्तेश्वर पांडे देश के 50 टॉप चर्चित भारतीयों की सूची में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक बेहद ही ईमानदार, सीधे साधे और सरल व्यक्तित्व के जाने जाते हैं। अपने सहयोगी और कर्मियों के साथ ही उनके संबंध काफी अच्छे बताए जाते हैं। फेम इंडिया द्वारा साल 2020 के लिए किए गए सर्वे में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने टॉप 10 में जगह बनाई है।
बिहार में काम के आधार पर अंचलाधिकारियों की रैंकिंग हुई जारी। बिहार सरकार ने अधिकारियों के काम के आधार पर अंक देने की व्यवस्था शुरू कर दी है। सबसे बेहतर काम करने वालों को नंबर एक पर रखा गया है, वहीं सबसे खराब काम करने वाले अंचलाधिकारी को निचले पायदान पर स्थान दी गई है। अगस्त 2020 में बेहतर काम करने वाले और खराब काम करने वालों की सूची जारी की गई है। यह रिपोर्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी की गई है। रिपोर्ट में बक्सर के अंचल को पहला स्थान मिला है, वहीं बक्सर के ही चौसा अंचल को दूसरा स्थान मिला है। कटिहार का अहमदाबाद तीसरे नंबर पर है, मध्यपुरा का पुरानी अंचल चौथे नंबर पर और नालंदा का रहुई अंचल पांचवें नंबर पर है। बिहार की एकमात्र नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की मान्यता फंसी बीच मझधार में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की मान्यता बीच मझधार में नजर आ रही है। यह इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें दूर शिक्षण के माध्यम से 1.25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अनुबंधित है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के वक्त ही तय किया गया था कि इसकी स्थापना नालंदा जिले में करवाई जाएगी, जिसके लिए प्रयास तो कई सालों से चलते आ रहे हैं। राज्य सरकार ने 10 एकड़ जमीन का आवंटन भी कर दिया था, जहां पर काम शुरू भी हो गया है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी दूर शिक्षण संस्थान को 40 एकड़ जमीन का निर्माण आवश्यक है, जो खुला नालंदा विश्वविद्यालय के पास नहीं है, जिसके बाद इसकी मान्यता पर संशय की स्थिति बन गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मनोज भावुक की। मनोज भावुक एक भारतीय कवि हैं और भोजपुरी भाषा में कई कविताओं का वर्णन कर चुके हैं। पेशे से वो एक अभिनेता और टीवी प्रेजेंटर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बतौर स्क्रीन राइटर भी काम किया है। उनका जन्म बिहार के सिवान जिले के कौसर में 2 जनवरी 1976 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई किताबों का भी वर्णन किया है, जिसके लिए भारतीय भाषा परिषद अवार्ड से साल 2006 में उन्हें नवाजा भी गया था। यह अवार्ड उन्हें तस्वीर जिंदगी की में लिखे गए गजल के कारण मिली थी। उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ भोजपुरी सिनेमा के नाम से भी पहचाना जाता है। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं साल 2016 में वो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के साथ जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने टाइम्स नाउ हिंदी के साथ मीडिया कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया है। बिहार को बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की पहल हुई तेज। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की पहल को शुरू कर दिया जा रहा है, जिसके लिए विभाग ने इस साल से मिशन 4.0 की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि इस मिशन के तहत बीज निगम अब संकर किस्मों के धान और मक्के के बीज का भी उत्पादन कर सकेंगे, साथ ही सब्जियों के बीज का भी उत्पादन जरूर किया जाएगा। अगर यह मुहिम सफल हो जाती है तो राज्य में कम से कम 4 लाख क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही 5 लाख ज्यादा किसानों की आपूर्ति करने का लक्ष्य इस मुहिम के तहत किया जा रहा है। बिहार के 2 बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। बिहार के 2 बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सम्मानित करने की पहल की गई है, जिसके तहत अभिजीत कुमार और अर्पित कुमार को CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, हर साल बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें बिहार के अभिजीत और अर्पित को 4th स्थान प्राप्त हुआ है। इन दोनों के मल्टी फंक्शन डिवाइस फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मेथड को पुरस्कृत के लिए चुना गया है। आपको बता दें, इसकी मदद से पानी की शुद्धता की जानकारी आसानी से की जा सकती है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 20,000 की राशि और प्रमाण पत्र 25 सितंबर को दिया जाएगा। किसानों के लिए रोल मॉडल बने जिज्ञासु सिंह को किया गया सम्मानित। देश भर के किसान के लिए रोल मॉडल बने सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के बखरी गांव के रहने वाले जिज्ञासु सिंह को सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में उनकी सराहना की थी। आपको बता दें, जिज्ञासु सिंह ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और अपने गाँव आकर आधुनिक खेती के जरिए बेहतर कमाई करने लगे थे। ऐसा करके उन्होंने इलाके के किसानों के रोल मॉडल बनने का काम किया। जिज्ञासु सिंह की मेहनत और काम से उनकी सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए उनकी प्रशंसा की थी। सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए फैंस ने लगाए 1 लाख से ज्यादा पौधे। सुशांत सिंह राजपूत की एक और आखिरी इच्छा पूरी हो गई है। राजपूत की बहन की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार सुशांत की याद में उनके फैंस ने कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा पौधे लगा दिए हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ड्रीम लिस्ट में 1,000 पेड़ लगाने की इच्छा जताई थी, मगर उनके फैंस ने उससे ज्यादा ही लगा दिए। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के इस पहल पर श्वेता ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 1 लाख से ज्यादा पौधे दुनिया भर में लगाए गए हैं। सुशांत के लिए पौधे लगाने पर आप सभी का धन्यवाद। बिहार सरकार ने शिक्षक नियोजन की मेधा सूची को अपलोड नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का दिया आदेश। शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों को कुछ समय पहले शिक्षक नियोजन की मेधा सूची वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि शिक्षकों के नियोजन की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं करने पर संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध सख्ती से पेश आने की शिक्षा विभाग में सिफारिश कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO को इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। निदेशक ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि समय पर नियोजन संबंधी सूची वेबसाइट पर प्रकाशित अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध संवैधानिक दायित्व के उल्लंघन के तहत आवश्यक कदम उठाने की अनुशंसा की जाएगी।
बिहार बस टर्मिनल रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल मॉल से होगा लैंस। राजधानी वासियों को बहुत जल्द बिहार सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत राजधानी पटना में बहुत जल्द ही देश का पहला अंतरराज्यीय बस अड्डा शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ये नई सौगात राजवासियों को देने वाले हैं, जिसका निर्माण मसौढ़ी रोड स्थित रामचक बैरिया में करवाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार अंतरराज्यीय बस अड्डा लगभग 26 एकड़ जमीन में बनाया गया है, जिसकी लागत लगभग 302 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बस स्टैंड में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सिनेमाघर, मॉल, विश्राम गृह, रेस्टोरेंट, कैफे, वाईफाई समेत कई प्रकार की अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी। बिहार में बीते दिन से बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने किया चक्का जाम। बीते दिन से बिहार में बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से चक्का जाम कर दिया गया है। राज्य के तकरीबन 5 लाख से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर बीते दिन से विरोध पर चले गए हैं, जिसकी शुरुआत बीते दिन सुबह 6 बजे से की जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर यह विरोध कर रहे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह चक्का जाम अनिश्चितकालीन समय तक जारी रहेगा। ललन सिंह ने बढ़िया मोकामाटाल क्षेत्र को दी विकास की सौगात। बिहार में दलहन और तिलहन उत्पाद के मुख्य केंद्र बढ़िया मोकामाटाल माना जाता है। हालांकि वर्षों से इसके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया गया था, इसके कारण किसानों की हालत भी खराब हो गई थी। लेकिन अब इस क्षेत्र में सुधार के लिए मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने हरुहर नदी पर तटबंध एवं 100 पुल पुलिया का बड़ा सौगात देने का ऐलान किया है। जल संसाधन विभाग की तरफ से इसकी निविदा भी निकाल दी गई है। ललन सिंह के इस पहल से किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया चक्रवर्ती को लेकर फिर किया अपना बयान जारी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रिया को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। वहीं इसी क्रम में एक बार फिर से उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अंतिम सांस तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के मामले में केवल गुप्तेश्वर पांडे की जीत नहीं, बल्कि पूरे बिहार की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा था और मुझे मुख्यमंत्री का साथ मिला, तो हमने इस मुहिम की शुरुआत की और मामले को मुकाम तक पहुंचाया है। रिया के बारे में मैंने शुरू से ही कहा है कि उसका व्यवहार संदेहास्पद था। यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख को एनटीए ने बढ़ाया आगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने पहले 16 सितंबर से 25 सितंबर तक इस परीक्षा के आयोजन की तारीख जारी की थी, मगर अब यह परीक्षा 24 सितंबर से आयोजित करवाई जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यह तारीख इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की परीक्षाओं की तारीख से टकरा रही थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 16, 17, 22 और 23 सितंबर को ICAR की परीक्षाएं आयोजित करवाएगी। इसे देखते हुए यूजीसी नेट 2020 परीक्षा को 24 सितंबर को करवाने का फैसला लिया गया है। सुशील कुमार मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह की अंतिम इच्छा पूरी करने का दिया आश्वासन। रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई अंतिम विदाई के बाद अब उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उनके हर सपने को पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार रघुवंश प्रसाद सिंह की हर अंतिम इच्छा को पूरा करके उन्हें सार्थक श्रद्धांजलि अपनी तरफ से जरूर देगी। वहीं हमें अपने सपनों का सौंप कर गए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह गरीबों के पेट की चिंता करने वाले राजनेता थे। आखिरी वक्त में वो परिवारवादी और निजी संपत्ति बनाने के लिए राजनीति का दुरुपयोग करने वालों में इस कदर घिर गए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। उनका पत्र जनहित के मुद्दे के लिए एनडीए सरकार की विश्वसनीयता का प्रमाण पत्र है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जारी की चिट्ठी। बिहार एनडीए में जहां कुछ लोग सब कुछ ऑल इज वेल का नारा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के तेवर कुछ और ही नजर आ रहे हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्योंकि चिराग ने एक बार फिर से बिहार के हालात को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी जारी कर दिया है। चिट्ठी में चिराग पासवान ने अपने सांसदों की राय से प्रधानमंत्री को अवगत करवा दिया है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोजपा सांसदों की राय से अवगत कराने का काम किया है। उन्होंने 7 सितंबर को दिल्ली हुए लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या कुछ बातें हुई हैं, उस बात का वर्णन किया है। रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ बयानबाजी करने वाले तेज प्रताप यादव ने घर पर फोटो रख किया नमन। केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कुछ दिनों पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि उनके जीते जी कुछ दिनों पहले ही लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ खूब बयानबाजी की थी, जिसके बाद उनकी आलोचना अभी तक हो रही है। वहीं अब उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी शोक संवेदना जाहिर की और अब रघुवंश बाबू की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने अपने एक तस्वीर साझा की है। हालांकि रघुवंश बाबू की अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, मगर तस्वीर साझा कर उन्होंने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि उनके मन में रघुवंश बाबू को लेकर काफी श्रद्धा है। सचिन तेंदुलकर 560 गरीब लोगों के लिए बने मसीहा। टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जगत में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। अक्सर देखा गया है कि सचिन तेंदुलकर हर किसी जरूरतमंद के लिए हमेशा काम करते आए हैं। वहीं अब उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर 560 छोटी उम्र के लोगों के
भरण पोषण और शिक्षा का जिम्मा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सचिन तेंदुलकर ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर 560 आदिवासी छात्रों की हर सहायता करने का संकल्प लिया है। सचिन तेंदुलकर ने एनजीओ परिवार नामक एक संगठन के साथ हाथ मिलाया है। पुराना लैपटॉप या फोन बेचने से पहले रखें कुछ खास बातों का ध्यान। पुराने स्मार्टफोन या लैपटॉप को बेचने से पहले सभी ग्राहक को खास बातों का ध्यान रखने की नसीहत दी गई है, जिसके तहत साफ तौर पर कहा गया है कि पुराने फोन लैपटॉप हार्ड डिस्क में जरूरी डेटा मौजूद होते हैं और कई लोग उसे डिलीट या क्लीन किए बगैर दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। इससे यह डेटा सिर्फ दूसरों में बढ़ जाता है, जिसके बाद फोन पर आसानी से रीसेट वाले विकल्प को चुनकर फोन से डेटा को डिलीट किया जा सकता है। वहीं पुराने लैपटॉप को बेचने से पहले सभी ग्राहकों को खास बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसके तहत साफ तौर पर कहा गया है कि पुराने लैपटॉप हार्ड डिस्क में जरूरी डेटा मौजूद होता है और कई लोग उसे सिर्फ डिलीट या क्लीन करके दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं, लेकिन लैपटॉप बेचने से पहले कोई भी वाइप सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या पीसी में चला ले। इससे हार्ड डिस्क और अन्य लोकेशन पर सेव डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, कोई भी उस डेटा को रिकवर नहीं कर पाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गोविंद कुमार, राजा भैया, नीतीश कुमार, नूतन सिंह, समथिंग स्पेशल, लालू कुमार, पप्पू पासवान, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मीपति, रिया कुमारी, प्रहलाद सिंह, गुंजन पटेल, निराला मोहन, रामदास सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, लाल सिंह राजपूत। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते कुछ दिनों से बिहार के लिए किए जा रहे विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से बिहार को कितना फायदा मिलेगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।